हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्या क्लासेस। आई एम सुरजीत मौर्य और हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है और उससे रिलेटेड इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविजन दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में स्टडी की थी। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा गया है, जेड हैज ए हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन रेसिडेंसी फॉर 9 months एंड फॉर 3 months ऑफ द प्रीवियस ईयर इज ऑवाज अनयूज्ड। अनयूज्ड मतलब वेकेंट रही हो। कहा गया अगर हम पार्टली, अगर एक प्रीवियस ईयर में, अगर कहा गया एक प्रीवियस ईयर में आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, इसको अगर आधे प्रीवियस ईयर तक आपने इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज किया है, फिर आधे ईयर के बाद आप इसे वेकेंट छोड़ दिए हैं, तो भी आपकी यह प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। कहा गया ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 6 लाख रुपीज पर एनम है, फेयर रेंट हमारा 5 लाख रुपए पर एनम है, स्टैंडर्ड रेंट यहाँ दे दिया गया है 4 लाख रुपए पर एनम है, ही इनकर रिपेयर एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए एंड पेड म्यूनिसिपल टैक्स 5,000 रुपए ड्यूरिंग दी ईयर। ओके, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दी फॉलोइंग केसेस ऑफ फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। असेसमेंट ईयर 1920 के जगह हम बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, असेसमेंट या 1920 रहने दीजिए। पहला पॉइंट, ही बारोड 1 लाख रुपी एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट ऑन 17 अगस्त 1998 को ही उन्होंने लोन प्राप्त किया है, यानी यह लोन 1/4/1999 के पहले लिया गया है ना, तो आपको 30,000 रुपए तक का ही डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का। ठीक है, फॉर परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड सच अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट इज स्टिल अनपेड। ओके, कहा गया सेकेंड केस, ही बारोड 10 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन ए भी 17/8/2019 को ही क्या किया गया है, 10 लाख रुपए इंटरेस्ट, 10 लाख रुपए लोन बारोड किया गया है फॉर किसके पर्पज से, हाउस प्रॉपर्टी परचेज, हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के उद्देश्य से। तो यह भी हमारा 17/8/1998 को है, यानी 1/4/1999 के पहले लिया गया है, तो कहा गया यहां पर भी आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा 30,000 रुपए तक का। ठीक, कहा गया थर्ड पॉइंट, ही बारोड 5 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, ऑन 17 अगस्त 2019, तो यहां पर 1/4/1999 के बाद लिया गया है ना लोन, तो यहां पर आपको कितना का, 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, मिलेगा बशर्ते कि यह लोन लिया गया हो किसके पर्पज से, हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए या परचेज करने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। ठीक, तो यहाँ पर लोन हम देख रहे हैं कि 17/8/1999 को लोन लिया गया था, लेकिन प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट कब हो रहा है, 31/3/2020 को, ठीक है, यानी विद इन फाइव ईयर में कंप्लीट हो जा रहा है ना भाई। 17/18/1999 यानी 1999 को हम छोड़ देंगे, 2000 से हम देखेंगे, और क्योंकि जो 2000 में हमारा क्या है कंप्लीट ही हो जा रहा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, तो यानी आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। फोर पॉइंट बता रहा है कि ही बारोड 20 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 18% इंटरेस्ट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, ऑन 17th
अगस्त 1999, यहाँ भी 1/4/1999 के बाद लोन लिया जा रहा है। किस पर्पज से लिया जा रहा है? कहा गया कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए ही लिया जा रहा है। तो कहा गया कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वाज कंप्लीटेड वन वाज कंप्लीटेड ऑन 31/3/2000 एंड सच अमाउंट इज स्टिल अनपेड। तो कहा गया यहाँ भी आपको 2 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलेगा एक प्रीवियस ईयर में, ओके, क्योंकि यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन और जो हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जा रहा है वो विदिन 5 ईयर में कंप्लीट हो जा रहा है। 5 पॉइंट, ही बारोड 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये बारो किया गया है 15% इंटरेस्ट रेट पर, और कहा गया है ऑन 1/4/1998 को ही लोन लिया गया है, यानी 1/4/1999 के पहले लोन लिया गया है एंड फर्दर बारोड 10 लाख एट द रेट ऑफ 10% ऑन 17/8/1999 यानी 1/4/1999 के बाद लिया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड सच अमाउंट इज स्टिल अनपेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1/2/2000 को कंप्लीट हुआ है। इसमें दो केस बन गए। पहला केस यह बन गया कि आप देख रहे हैं कि पहला जो लोन लिया गया है 1,80,000 का, जो कि 1/4/1999 से पहले लिया गया है, तो इस लोन पर आपको मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक लोन हमारा 10 लाख का लिया गया है जो कि 1/4/1999 के बाद लिया गया है और जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है विद इन 5 ईयर में, तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। तो क्या आपको 2,30,000 का डिडक्शन मिलेगा? नहीं भाई, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में तो 2 लाख रुपये हमारा मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, यानी आपको 2 लाख रुपये तक का ही एक ईयर में, एक प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल सकता है, ठीक। 2 लाख रुपए हमारा मैक्सिमम है, हम पहले भी हम बता रहे हैं 2 लाख रुपए या 30,000 रुपए जो हमारा है मैक्सिमम लिमिट है, और इस लिमिट को और जो हमारा एक्चुअल में इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे जो दोनों में से कम होगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। 6 पॉइंट, ही बारोड 5 लाख रुपीज, कितना रुपीज बारो किया गया है? 5 लाख रुपीज बारो किया गया है एट द रेट ऑफ 12% ऑन 1/4/2001 यानी 1/4/1999 के बाद किया गया है, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? लेकिन ये रिपेयर्स के पर्पस से लिया गया है लोन, यानी यह अगर लोन परचेज एंड कंस्ट्रक्शन के पर्पस से लिया गया होता तो 2 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलता, लेकिन चूंकि लोन तो 1/4/1999 के बाद लिया गया है, ठीक है, लेकिन वो रिपेयर्स पर्पस के लिए लिया गया है तो आपको मैक्सिमम 30,000 का लो ही डिडक्शन दिया जाएगा। 7th पॉइंट क्या बता रहा है? ही बारोड 1,80,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 15% ऑन 1/4/1998 यानी 1/4/1999 के पहले लोन लिया गया है, तो इसका मतलब आपको 30,000 रुपए तक का ही डिडक्शन मिल सकता है। कहा गया एंड फर्दर बारोड 20 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 14% ऑन 1/4/1999 के बाद यहां लोन लिया गया है, तो कहा गया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड सच अमाउंट इज स्टिल अनपेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 1/2/2000 को। कहा गया यहां पर अगर सपोज करिए ना, यहां पर हम 2000 को 2010 बना दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह का पहले ही एक हमने पॉइंट देखा है, यहां पर 2010 बना देते हैं। तो कहा गया जो हमारा पहला लोन लिया गया है वो 1/4/1999 के पहले लिया गया है, इसका मतलब इस पर तो आपको 30,000 रुपए तक का मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ होगा, लेकिन यह 20 लाख रुपए का भी लोन लिया गया है जो 1/4/1999 के बाद लिया गया है, ओके, लेकिन यह कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए भी लिया गया है, ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। लेकिन तीसरा कंडीशन देखेंगे क्या विद इन 5 ईयर में
बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या परचेज किया गया है, तो यहाँ पर लोन कब लिया गया है, ये 1999 में लोन लिया गया है, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रहा है 2010 में, यानी 10 ईयर 10 ईयर्स इसे कंप्लीट होने में लग गए, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000 रुपये ही मिलेगा। ठीक, तो इस केस में 30,000 रुपये तक मैक्सिमम डिडक्शन आपको इंटरेस्ट का मिलेगा। ठीक, हमने इसको समझा दिया। अब आप देखिए यह पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जो यह पॉइंट दिए गए हैं वह इररिलेवेंट है। वो क्या है, यह पॉइंट सभी इररिलेवेंट है, क्योंकि हमें पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जो नेट एनुअल वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, नील होती है। ठीक, तो इसका कोई रिलीवेंस नहीं रह जाता है। और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड तो हाउस प्रॉपर्टी में मायने ही नहीं रखता है भाई, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो चाहे लेट आउट प्रॉपर्टी हो। एक्चुअल एक्सपेंडिचर का तो हम डिडक्शन देव नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं 30% का, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू का हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा वैसे भी इरिलेवेंट हो जाता है। और म्युनिसिपल टैक्स कहा गया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में म्युनिसिपल टैक्स का आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। ओके, तो केवल व केवल इंटरेस्ट की अमाउंट को ही हमें कैलकुलेट करना है। हमने बता दिया किस किस केस में क्या क्या करना है, और आप लोग देखिएगा एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करिएगा, फिर जो मैक्सिमम लिमिट कई लिमिट बताई गई है उस लिमिट से आप कंपेरिजन करिएगा। अगर मैक्सिमम एक्चुअल इंटरेस्ट का अमाउंट इस मैक्सिमम लिमिट से अधिक होता है तो ये हमारा मैक्सिमम लिमिट जो ये बताई गई है वही उतना ही अमाउंट का आपको डिडक्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल इंटरेस्ट का अमाउंट इस मैक्सिमम लिमिट से कम होती है तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उतने रुपए का ही डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।